जिस प्यार और भरोसे के साथ नगर पंचायत की जनता ने मुझे प्यार दिया है और इस मुकाम तक पहुंचाया है, मैं पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जनता का कभी मुझसे मन ना दुखे और उनकी कसौटी पर खड़ा उतरूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी मसवासी को लेकर? आगे शासन की पॉलिसियों को सही ढंग से क्रियान्वयन करना एवं पब्लिक के अंदर भाईचारे के साथ रहना। अच्छा, जिस जो लोगों की समस्या है, सड़कों की है, नाली की है, पानी की है, स्वास्थ्य की है, उसको लेकर क्या प्रयास करेंगे? वो तो सरकार आई गई इसमें बात कि सरकार की पॉलिसी के अनुसार जो भी सरकार के द्वारा सुविधाएं नगर पंचायत को आएंगी उनका सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाएगा और जनता को सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। अपनी ओर से मसवासी की जनता को क्या संदेश? मैं तो ये कहूँगा सभी को भाईचारे के साथ रहना है, चुनाव की किसी भी तरीके की गलतफहमियाँ या बातों को ध्यान में ना रखकर सभी को भाईचारे के साथ रहना है। अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे? बधाई देंगे मसवासी की जनता को, कोटि कोटि बधाई जिसने मुझे अध्यक्ष पद पर चुना है नगर पंचायत के। मैं मसवासी की जनता को बार बार कोटि कोटि बधाई देता हूँ। क्या कहेंगे जनता के? देखिए, आप नगर के सभी सम्मानित मतदाता हमारे अपने हैं। जिसने हमारा साथ दिया वो भी, जिसने हमारा साथ नहीं दिया वो भी, जो समर्थक हैं वो भी और जिन्होंने विरोध किया वो भी। हमें सभी के साथ प्यार से रहना। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।